फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्किन को निखारना चाहते हैं तो एक बार आप इस फेस पैक को लगा लो, इतने गजब के आपको रिजल्ट मिलेंगे। जितने भी आपके फेस में दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, उन सब को दूर करके आपकी स्किन को इंस्टेंट लाइटिंग ब्राइटनिंग बनाएगा। साथ ही आपके फेस में इतना गजब का निखार आएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या लगाया। आप सब कैसे हो? मेरे चैनल नेचुरल स्किन केयर फाइबर से बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। अगर आपका फेस बहुत ज्यादा काला पड़ गया, रूखा पड़ गया, आपके फेस में बहुत ज्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज्यादा ब्लैकनेस आ गई है, डल पड़ गया है आपका फेस, ठीक है, आपका पहले निखार था लेकिन अभी फिलहाल में आपका फेस बहुत ज्यादा काला पड़ चुका है, बिल्कुल डल है, बिल्कुल भी निखार नहीं, साथ ही बहुत ही ज्यादा आपके फेस में झाइयों की प्रॉब्लम हो गई है जिनसे आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, तो अगर आप अपने फेस को लाइटनिंग ब्राइटनिंग व्हाइटनिंग बनाना चाहते हैं, साथ ही अपने फेस की झाइयों को दूर करना चाहते हैं, आपके फेस में जितने भी दाग धब्बे हो गए हैं उनको दूर करना चाहती है, तो एक बार इस फेस पैक को आप यूज कर लो, इतने गजब के आपको रिजल्ट मिलेंगे कि पहली बार में ही आपको 100% रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। पहली बार में आपके फेस में इतना ज़्यादा निखार आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा ना, कि आप इसे बार बार खुद से ही लगाओगे, ठीक है। और हाँ, दाग धब्बों के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, एक से दो बार जब आप लगाओगे तो देखोगे आपके जितने भी दाग धब्बे फेस में वो लाइट होने लग जाएंगे, लेकिन निखार आपको फर्स्ट टाइम ही दिख जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक साफ बाउल लेना है, इसके बाद आपको लेना है बीट रूट का पाउडर यानी कि चुकंदर का पाउडर। अगर आपके पास चुकंदर का पाउडर नहीं है तो जो चुकंदर आप खाने के लिए यूज करते हैं आप उसको लें और मिक्सी में पीस के उसका पेस्ट बना लें, और एक चम्मच यहाँ पे आप पेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। चुकंदर अगर आप यूज करते हो अपने फेस में हफ्ते में दो बार तो बहुत ही गजब के आपके फेस में निखार आता है, क्योंकि चुकंदर में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी स्किन को लाइटिंग ब्राइटनिंग करने में आपकी हेल्प करते हैं। चुकंदर में एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपके फेस के दाग धब्बों को दूर करता है। चुकंदर में एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी जो होती है, जो समय से पहले आपकी स्किन में बुढ़ापा आ जाता है ना, झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको दूर करता है और आपकी स्किन को यंग बनाने में आपकी हेल्प करता है, आपकी स्किन को निखारने में, तो इसका 100% अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया दही, दही लेने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ बूंदे लिया है लेमन, अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद डाला मैंने रोज वाटर, क्योंकि दही यहाँ पे मेरा थिक था, अगर आपका दही लिक्विड वाला है थोड़ा सा उसमें पानी है तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे रोज वाटर नहीं डालिएगा, अदरवाइज पेस्ट बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा जो आपके फेस में सही से लगेगा नहीं, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट हमारा फेस पैक बन के रेडी है। हफ्ते में आप दो बार लगाओगे तो ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, एक बार लगाओगे तो उतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हाँ हफ्ते में दो बार लगाओगे तो आपको गजब वाले रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बातों बातों में हमारा पैक बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है, बस हमें अपने फेस में इसको अप्लाई करना है और इसके बाद हमें इसके रिजल्ट देखने हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ भी अपने फेस में अप्लाई करो उससे पहले अपना फेस क्लीन कर लो, तो यहाँ पे मैंने पहले अपना फेस वॉश कर लिया था, ठीक है, तो मेरा फेस नीट एंड क्लीन है। अभी हम इस फेस पैक को अप्लाई करेंगे अपने फेस में, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारा पैक बन के रेडी है। जितना ये रेड रेड दिख रहा है उतना ही रेडनेस आपके चिक में नज़र आने वाली है इस पैक को लगाने के बाद। ये फेस में आपके निखार तो लाए गए लेकिन जो आपके चिक में ग्लो आएगा ना वो किसी ब्लेस से कम नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को आपको पहले अपने फेस में अप्लाई करना है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद 5 मिनट तक आपको अपने फेस में अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि आपके फेस में अच्छे से वर्क करे, काम करे और आपके फेस को निखारने में आपकी हेल्प करे, ठीक है। तो आपको पहले एक मोटी सी लेयर बनाना है, ठीक है, पैक के तरीके से लगा के छोड़ देना, ठीक है। साथ ही ये आल स्किन टाइप है, आपकी स्किन टाइप कोई सी भी हो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करके यूज कर सकते हैं, इसमें आप शहद मिक्स करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा जो भी आपको ज्यादा लग रहा हो ना कि आपको ये चीजें सूट करती हैं, आपको ये चीज इसमें ऐड करनी चाहिए, तो आप इसमें ऐड करके आप इसको यूज कर सकते हो, बट आपको यूज इसको जरूर करना है। अगर हफ्ते में दो बार लगाओगे ना, इतनी गजब के आपके फेस में और आपके बॉडी में निखार आ जाएगा ना कि आप लोग पूछेंगे भाई ऐसा क्या लगाते हो आप अपने फेस में, ठीक है। और आपकी स्किन टाइप तो कोई सी भी हो आप लगा ही सकते हो, साथ ही आपकी एज कोई सी भी हो तो भी आप इसको लगा सकते हो। आप देख सकते हो इसे अपने नेक में लगा सकते हो, आप इसे अपने हाथों में लगा सकते हो, पैरों में लगा सकते हो, यानी कि फुल बॉडी ब्राइटनिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही गजब के आपको रिजल्ट मिलेंगे, बिल्कुल भी आपको निराशा नहीं होगी कि हमने इसको क्यों लगाया इतनी विंटर में, इसको लगाने के बाद आपका दिल ही खुश हो जाना है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने लगाया, लगाने के बाद 5 मिनट मसाज किया, मसाज करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको लगा के छोड़ दिया था, ठीक है। अभी विंटर का टाइम चल रहा है, ज्यादा सूखा नहीं था लेकिन फिर भी मैंने इसको निकाल दिया 10 मिनट में ही, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फेस की क्वालिटी कितनी ज्यादा इंप्रूव हो गई, पहले ज्यादा मेरे फेस में कितना ज्यादा निखार आ गई है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।